नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट है क्लास 8 के विज्ञान की वर्कशीट संख्या 35। बच्चों, आज हम लोग जंतुओं में जनन को पढ़ने वाले हैं। हम जानते हैं कि जनन एक जैविक क्रिया है जिसमें एक नया जीव उत्पन्न होता है। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। यह दो प्रकार का होता है। अच्छा, ये सोचो कि अगर जनन नहीं हो, एक जीव के बाद दूसरे जीव का जन्म नहीं हो, तब क्या होगा? तब इस संसार से सारे जीव धीरे धीरे, पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जब जो जीव हैं वो दोबारा नहीं जन्मेंगे, दोबारा नहीं बनेंगे, तो उनका क्या स्थिति होगा? इसलिए यह जैविक क्रिया है और यह अति आवश्यक है यहाँ जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। और यह दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए दो जीव, नर और मादा, दोनों आवश्यक होते हैं। ये दोनों मिलकर लैंगिक जनन करते हैं। और अलैंगिक जनन में एकल जीव एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए पर्याप्त है। अकेला एक ही जीव नए जीव की उत्पत्ति कर सकता है। जैसे आपने अमीबा को देखा होगा, तो अमीबा का अलैंगिक जनन होता है। किस तरह से? अमीबा द्विगणिक विखंडन के द्वारा एक से दो हो जाता है। और जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग होते हैं। ये जो पौधे होते हैं, इसमें नर जननांग अलग होता है। आपने पढ़ा है स्त्री केसर और पुंग केसर के बारे में, जो सामान्यतः पादप के फूल में भी स्थित होते हैं। जंतुओं में भी नर और मादा में अलग अलग जनन अंग होते हैं। जनन अंगों का एक मुख्य कार्य युग्मक का निर्माण करना होता है। ये युग्मक संलयित हो युग्मनज का निर्माण करते हैं। यह युग्मनज भ्रूण में और भ्रूण एक नए जीव में विकसित होता है। नर और मादा युग्मकों के संलयन द्वारा इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को डिंब या अंडाणु कहते हैं। ये दोनों मिलकर युग्मनज बनते हैं और युग्मनज से नया जीव बनता है। उसके बाद आइए हम मनुष्यों के जनन तंत्र के बारे में जानते हैं और उनमें जनन की प्रक्रिया का अध्ययन करें। मनुष्यों में लैंगिक जनन, नर जनन तंत्र कैसे होता है? तो नर जनन तंत्र के मुख्य अंग है कि एक जोड़ा वृषण होता है, दो शुक्राणु नलिका होती है तथा एक शिश्न होता है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि यह वृषण है, यह एक जोड़ा होता है, इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है और यह शुक्राणु नलिका है, दो शुक्राणु नलिका है और यह शिश्न है और यह शुक्राणु है। शुक्राणु का यह सिर होता है, सिर के बाद मध्य भाग होता है और फिर इसकी पूंछ होती है। तो यह नर जनन तंत्र हुआ। वृषण, शुक्राणु, नर युग्मक। शुक्राणु क्या होता है? नर युग्मक होता है और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पादन करते हैं। वृषण शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पादन करते हैं। लाखों शुक्राणु वृषण द्वारा निर्मित होते हैं। यह एक एकल कोशिका की तरह होता है। जो शुक्राणु होता है एकल कोशिका की तरह होता है, लेकिन इनमें गुणसूत्रों की संख्या सामान्य कोशिका से आधी होती है। गुणसूत्र आधी यह नर युग्मक से नर से लेते हैं और आधी मादा से लेते हैं। हालांकि शुक्राणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है। पूंछ सांप की तरह आगे और पीछे शुक्राणु को अंडे की ओर ले जाने के लिए, शुक्राणुओं को गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाना होता है ताकि युग्मनज बनाने के लिए डिंब के साथ निषेचन हो सके। तो इस तरह से हमने देखा कि नर जनन तंत्र और मनुष्य में जनन प्रक्रिया कैसे होती है। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न है कि जनन को परिभाषित कीजिए, लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच अंतर लिखिए। दूसरा प्रश्न है कि लैंगिक जनन को परिभाषित करें, क्या यह पौधों में होता है। और तीसरा प्रश्न है कि पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाइए। चौथा प्रश्न है कि पुरुष युग्मक का क्या नाम है, इसका निर्माण कहाँ होता है। और पांचवा है, निम्नलिखित कथनों के लिए सही या गलत लिखिए। शुक्राणु एक एकल कोशिका नहीं है और वृषण शुक्राणु टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का उत्पादन करते हैं। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न एक, जनन को परिभाषित कीजिए, लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच अंतर लिखिए। तो यहाँ उत्तर है जनन। जनन एक जैविक क्रिया है जिसमें एक नया जीव उत्पन्न होता है। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक होता है। जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन, इस जनन में नए जीव की उत्पत्ति के लिए दो जीव, नर और मादा, दोनों आवश्यक हैं।
और अलैंगिक जनन इस प्रकार के जनन प्रक्रिया में एकल जीव एक नए जीव की उत्पत्ति करता है। और फिर प्रश्न दो है कि लैंगिक जनन को परिभाषित करें, क्या यह पौधों में होता है? तो उत्तर है कि लैंगिक जनन इस प्रकार के जनन में नए जीव की उत्पत्ति के लिए दो जीव नर और मादा दोनों में आवश्यक है। लैंगिक जनन पौधों में भी होता है। प्रश्न तीन है कि पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाइए। तो यहाँ पुरुष जनन तंत्र का आरेख है, आप इसको देखिए। इस पूरे आरेख को आप बना लेंगे, बहुत आसान है। यह शुक्रवाहिका है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, अधिवृषण है, मूत्र मार्ग है, शिश्न है, वीर्य पुटिका है, स्तंभन है, जनक और अंडकोश की थैली है और वृषण है। तो इस तरह से आप पूरे इस चित्र को बना लेंगे। और चौथा प्रश्न है कि पुरुष युग्मक का क्या नाम है, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो उत्तर है कि पुरुष युग्मक को शुक्राणु कहते हैं, इसका निर्माण वृषण में होता है। और पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में सही गलत लिखिए। तो शुक्राणु एकल कोशिका नहीं है, गलत है, शुक्राणु एकल कोशिका है। और वृषण है कि वृषण शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करते हैं, तो यह सही होगा। तो इस तरह से हमने इस सारे वर्कशीट को कंप्लीट कर लिया और ये वीडियो भी कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।